और युवा और तीसरी पीढ़ी जो वृद्ध अवस्था में जाती है, ये तीन स्थितियां मनुष्य की होती हैं। बच्चे के जीवन को यदि देखते हैं तो बच्चा भविष्य की कल्पनाओं में जीता है, और यदि हम अपने वृद्धों को देखते हैं तो वो भूतकाल के कल्पनाओं में जीते रहते हैं, उनको स्मरण करते रहते हैं। लेकिन मैं युवा सम्मेलन के माध्यम से अपने युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बच्चा भविष्य में जीता है और वृद्ध भूत में जीता है, लेकिन जो युवा है वो वर्तमान में जीता है। और युवा सम्मेलन के माध्यम से मैं अपने युवाओं को थोड़ी देर के लिए अपने और ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि आज हम अपनी वैदिक संस्कृति को छोड़ करके, अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके, आज जिस प्रकार से ये पश्चिमी संस्कृति, यूरोप की संस्कृति जो हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों को नष्ट कर रही है, इसलिए मैं ध्यान देना चाहूंगा अपने बच्चों की ओर थोड़ा सा कि आज महती आवश्यकता है इन विचारों को अपने जीवन के अंदर सुरक्षित रखने के लिए। अभी एक तारीख आपके बीच में आने वाली है, 14 फरवरी, और मैं युवाओं को देख रहा हूं 14 फरवरी की बहुत ही उत्सुकता से वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो 14 फरवरी क्या है? वो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, जिसकी बहुत ही आप उत्सुकता पूर्वक जिसकी आप प्रतीक्षा इस समय कर रहे हैं। और एक प्रकार से मैं ये कह दूं कि जो मेरी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का कार्य कर रही है, ये 14 फरवरी हमारी संस्कृति नहीं है, ये मैं कहूंगा कि ये पश्चिमी संस्कृति भी नहीं है, मुझे लगता है कि ये पश्चिमी विकृति है। और पश्चिमी विकृति इसलिए है कि पश्चिमी देशों के अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी संतान को जब वहां पर आजादी दी गई तो वहां पर उन्होंने आजाद रहते हुए एक विकृति वहां पर जन्मी, जो आज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्तों को 14 फरवरी को जो आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं, जो मेरी भारतीय संस्कृति को, उस सभ्यता को, उन परंपराओं को एक प्रकार से नष्ट करने का कार्य कर रही है। मैं अपने युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति मम्मी और डैड की संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति अंकल और आंटी की संस्कृति नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि प्रातः काल में महिला सम्मेलन के माध्यम से हमने अपने कार्य को जब आरंभ किया, जब इसका शुभारंभ हुआ तो दीपक का प्रज्वलित किया गया, उसके पश्चात हम अभी देख रहे थे कि युवा सम्मेलन जैसे ही आरंभ हुआ तो हमने तब भी दीपक का प्रज्वलित किया। हमारी संस्कृति दीपक को बुझाने की संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति दीपक को प्रज्वलित रखने की संस्कृति है। ये 14 फरवरी जो अभी आ रहा है, पूज्यपाद स्वामी आरिवेश जी यहाँ पर बैठे हैं, सार्वदेशिक की अध्यक्षता आप कर रहे हैं, और मैं कभी विदेशों में नहीं गया, परंतु पूज्य स्वामी जी यहाँ पर बैठे हैं, पश्चिमी देशों का आप भ्रमण करते रहते हैं, आपने तो जाकर के वहां पर अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखा होगा। वहां पर 7 दिन ये कार्य चलता रहता है, और वो 7 दिन के माध्यम से वहां पर एक लड़का और एक लड़की, पहला दिन प्रपोज इस प्रकार से एक रोज डे, एक गुलाब दे करके, दूसरा चॉकलेट डे, तीसरा टेडी डे, चौथा और इस प्रकार से मैंने देखा उन्हें कई प्रकार से उसके अंदर बहुत सारे वो मिलते मिलते वो 7 दिन तक, मुझे जो अच्छी प्रकार से बीच के 2 दिन वो याद नहीं है, उसके अंदर वो करते करते उसे वैलेंटाइन डे जो 7वां दिन है उसको जो मनाने की एक परंपरा एक प्रकार से मैं अपने भारत के अंदर देखता हूँ, ये हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रही है, जो एक हमारे समाज के अंदर एक विकृति फैल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपनी युवा पीढ़ी से कि अपनी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना है, अपनी वैदिक संस्कृति को सुरक्षित रखना है। हमारी संस्कृति इस विश्व की प्रथम संस्कृति है। मैक्स मुलर नाम का एक विद्वान जो जर्मनी में पैदा हुआ, उसने एक पुस्तक लिखी, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, हम भारत से क्या सीखें, और उसने इस पुस्तक को लिखते हुए उसने मुख्य रूप से 3 प्रश्न वहां पर वो लिखता है, और उसके अंदर किस प्रकार से वो भारत की प्रशंसा करता है, किस प्रकार से वो भारतीय संस्कृति और यहाँ की परंपराओं की वो गुणगान करता है, उस पुस्तक के अंदर 3 प्रश्न लिखते हुए उसने प्रथम प्रश्न वहां पर लिखा है कि यदि कोई इस संपूर्ण धरा पर ध्यान देने की बात यह है कि वो किसी एक देश की बात नहीं करता,
वो कहता है कि संपूर्ण धरा पर यदि कोई मुझसे ये प्रश्न कर दे कि मैक्स मुलर इस धरती पर वो कौन सा देश है जिसकी संस्कृति सबसे महान है, तो मैक्स मुलर कहता है कि इस प्रश्न को सुनने के पश्चात मैं निसंकोच भारत की ओर उंगली कर दूंगा और कह दूंगा कि इस संपूर्ण धरा पर सबसे महान संस्कृति यदि किसी देश की है तो वह देश केवल भारत देश है। दूसरा प्रश्न मैक्स मुलर लिखता है, वो लिखता है कि यदि इस संपूर्ण धरा पर मुझसे कोई यह प्रश्न कर दे कि मैक्स मुलर इस धरती पर वो कौन सा देश है जिस देश के अंदर सुंदर सुंदर बाग बगीचे हो और वो बाग बगीचे फल और फूलों से लदे हुए हो, नदियों के अंदर जल की धाराएं कलकल की आवाज के साथ प्रवाहित हो, खेतों के अंदर हरी भरी लहलाती हुई फसलें हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो और उन पहाड़ों की जो चोटियां हैं वो श्वेत बर्फ से ढकी हुई हो, तो मैक्स मुलर कहता है कि ये सारी की सारी सुंदरता भी यदि किसी एक ही देश में देखनी है तो वह देश भी केवल भारत देश है। और तीसरे प्रश्न में तो मैक्स मुलर ने कमाल ही कर दिया, वह कहता है कि कोई मुझसे ना भी पूछे, इस बार वो लिखता है कि मैं अपने आप से ही ये प्रश्न कर दूं कि मैक्स मुलर इस धरती पर आज भी वो कौन सा देश है जो सारे विश्व का गुरु कहलाने की योग्यता रखता है, तो मैक्स मुलर लिखता है कि इस प्रश्न को मैं अपने आप से ही करने के पश्चात भाग करके हिमालय की चोटी पर चढ़ जाऊंगा और वहां से खड़ा होकर के चिल्ला चिल्ला करके कहूंगा कि आज भी संपूर्ण विश्व का गुरु कहलाने की योग्यता यदि कोई देश रखता है तो वो देश केवल भारत देश है, भारत देश है, भारत देश है। इसलिए मैं अपनी युवा पीढ़ी से अपने बच्चों से निवेदन करने लगा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी को ना पढ़े, आप अंग्रेजी को ना समझे, लेकिन अपने परिवार अपने समाज और अपने राष्ट्र के अंदर रहते हुए हम सबको ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति अपनी वैदिक परंपरा को सुरक्षित रखेंगे। आज यूरोप की संस्कृति हमारे भारत की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रही है, जो विकृति आज हमारे भारत के अंदर बढ़ रही है आप देखते हैं। यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाएंगे, जिस कार्यक्रम को हमने 251 हवन कुंड यज्ञ से आरंभ किया, हमारी संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है, मैं प्राय अपने देश के अंदर देखता रहता हूँ। आज हमारे जो बच्चे हैं वो मोमबत्तियां बुझा करके अपना जन्मदिन मनाते हैं, वो मोमबत्तियां बुझा करके कौन से बच्चे जन्मदिन मनाते हैं, वो वही बच्चे जन्मदिन मनाते हैं जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के जो नाजायज संबंध स्थापित हुए और वहां से जो नाजायज औलादों ने जो जन्म लिया यूरोप के अंदर। ध्यान देने वाली बात है कि यूरोप का कोई व्यक्ति उस समय आपके बीच में आ जाए, यूरोप का कोई व्यक्ति भारत के अंदर उस परिवार में उस समय वहां पर उपस्थित हो जाए कि जब हमारे भारत का बच्चा कोई जन्म दिवस मना रहा हो और शाम के समय केक पर मोमबत्तियां जला करके उनको बुझा रहा हो, उस समय यूरोप का व्यक्ति प्रश्न कर सकता है क्या तेरे लिए तेरे माँ बाप मर गए? क्यों? क्योंकि यूरोप के अंदर क्या होता है, वहां पर माता पिता नहीं होते। हमारी संस्कृति माता पिता की संस्कृति है, हमारी संस्कृति मम्मी और डैड की संस्कृति नहीं है। यूरोप के अंदर क्या होता है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इसी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं, हमारे भारत के अंदर भी विकृति जो आ रही है, वहां से जो नाजायज औलादों ने जो जन्म लिया, यूरोप के अंदर एक व्यवस्था बनाई गई। और यूरोप के अंदर क्या व्यवस्था बनाई गई, यूरोप में व्यवस्था बनाई गई कि जो नाजायज औलादें थी वहां की सरकारों ने एक व्यवस्था बनाई कि नाजायज औलादों की संख्या बढ़ रही है तो वहां पर कॉन्वेंट तैयार किए गए, चारदीवारी करके उन बच्चों को उसके अंदर बंद किया गया और उसके अंदर एक पुरुष और महिला की ड्यूटी लगा दी गई। अब ध्यान देने वाली बात है कि यूरोप के अंदर उस कॉन्वेंट में रहने वाले उन चर्चों के अंदर रहने वाले जो पुरुष होते हैं उनको बच्चे फादर बोलते हैं और उन चर्चों और कॉन्वेंटों के अंदर रहने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको बच्चे मदर बोलते हैं और मातर और पितर जो हमारी संस्कृति के अपभ्रंश शब्द हैं, लेकिन उनको जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रह करके जिन्होंने इसी 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे मनाते हुए जो नाजायज औलादों को जन्म देते हैं उनको फिर वहां पर जो एक व्यवस्था बनाई गई कॉन्वेंट के अंदर जब बच्चों को वहां पर सुरक्षित किया गया और उनकी खुशी के लिए जब फादर और मदर उस कॉन्वेंट में जब उसका जन्मदिवस मनाते हैं, क्योंकि वहां पर एक व्यवस्था होती है उस बच्चे की, वो तारीख वगैरह सब वहां पर लिखी होती है, उसके अनुसार जब बच्चे का जन्मदिवस मनाते हैं तो बच्चा खड़ा होकर के ये प्रतीक्षा करता रहता है, वो देखता रहता है कि वहां पर फादर और मदर जब दीपक प्रज्वलित करते हैं किस भाव से, इस भाव से कि जिस प्रकार से दीपक प्रज्वलित होकर के प्रकाशवान होता है, अष्टम सद्गम अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के हमें चलने की एक प्रेरणा देता है, इसी प्रकार से हे बालक तू भी अपने जीवन के अंदर अच्छे संस्कार अच्छे विचारों को अपने जीवन के अंदर धारण करता हुआ अपने जीवन को यशस्वी बनाएगा, अपने जीवन को तेजस्वी बनाएगा, तू अष्टम सद्गम अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ेगा।
लेकिन वो कॉन्वेंट के अंदर खड़ा हुआ बच्चा ये प्रतीक्षा करता रहता है कि जब तक वो मोमबत्तियां जल करके तैयार होती है। छोटा बच्चा तो उस बात को नहीं समझ पाता, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, एक बच्चा 10-12 वर्ष का हो गया और जैसे एक व्यवस्था बनाई जाती है कि आज तू 10 वर्ष का हो गया, वहां पर 10 मोमबत्तियां जला करके तैयार की जाती है, लेकिन तब तक वो बच्चा खड़ा खड़ा ये विचार करता रहता है कि इस प्रकाश का मेरे जीवन के अंदर कोई महत्व नहीं है, मेरा जीवन तो अंधकार में है, मुझे पति और पत्नी ने जन्म नहीं दिया, मुझे तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाजायज संबंधों ने मुझको जन्म दिया, मुझे इस धरती पर आने का कोई अधिकार नहीं था। तब उन मोमबत्तियों को बुझा देता है और कहता है कि फादर, इस प्रकाश का मेरे जीवन के अंदर कोई महत्व नहीं है, मेरा जीवन तो अंधकार में है और मेरे लिए मर गए वो मम्मी और डैड है और आप मेरे मदर फादर हो। पालयति रक्षिता सपिता, वो फादर होता है, वो पिता होता है जो पालन करता है, रक्षण करता है। माता निर्माता भावी जो जन्म लेकर के अपने बच्चे का निर्माण करती है, वो मदर होती है। इसलिए मैं अपने बच्चों से, अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि इन विचारों को यहाँ से लेकर के जाएंगे, जो 251 कुंडिया होने यहाँ पर चल रहा है, इस विचार को यहाँ से लेकर के जाएंगे कि हम अपना जन्मदिवस मोमबत्तियां बुझा करके नहीं मनाएंगे, अपितु हम अपना जन्मदिवस यज्ञ से मनाएंगे। ये विचार यहाँ से बच्चों को लेकर के जाना है। मैं निवेदन करने लगा हूं अपने बच्चों से, मैं फिर ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी ना पढ़े, आप पढ़िए और अच्छी प्रकार से पढ़िए, लेकिन अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र में रहते हुए हम अपनी वैदिक संस्कृति को अपनाएंगे। आप देखते हैं कि यूरोप के अंदर एक परंपरा और देखी हमने, जो धीरे धीरे हमारे समाज में बढ़ रही है। आज बच्चा जब प्रातःकाल उठता है तो वो गुड मॉर्निंग, वो बच्चा जब दोपहर होती है तो वो गुड आफ्टरनून, वही बच्चा फिर जैसे सायकाल होती है तो गुड इवनिंग, वो बच्चा फिर रात को जब सोने जाता है वो गुड नाइट परिवार वालों को बोल करके सोने के लिए कक्ष में जाता है। तो यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि वो बच्चा जब प्रातःकाल अपने बड़ों को जब वो गुड मॉर्निंग बोलता है तो मुझे लगता है शायद इसमें कोई अभिवादन या कोई सम्मान की बात नहीं है। हमारा वैदिक अभिवादन नमस्ते, नमस्ते जी मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन वहां पर यूरोप के अंदर क्या होता है, यूरोप के अंदर कभी कभी सूर्य निकलता है, और मेरे इस भाषण की पुष्टि बाद में पूज्यपाल स्वामी आर्यवेश जी कर देंगे। यूरोप के अंदर आप देखेंगे वहां के जो लोग हैं उनकी जो चमड़ी है यह बिल्कुल श्वेत होती है। इसका कारण क्या है कि वहां पर सूर्य नहीं निकलता, वहां कभी कभी 2-4 महीने में कभी सूर्य निकलता है, इसलिए वहां के लोग इतने गोरे होते हैं। और सौभाग्य से यदि वहां पर प्रातःकाल कभी सूर्य दिखाई दे जाए तो उनके लिए गुड मॉर्निंग हो जाती है कि सुबह अच्छी है कि आज सूर्य के दर्शन हुए, और यदि वही सूर्य दोपहर तक दिखाई देता है तो उनके लिए गुड आफ्टरनून होती है, वही सूर्य यदि शाम तक दिखाई देता है वो गुड इवनिंग होती है, और जहां पर पूरा दिन सूर्य दिखाई देता है तो वहां पर फिर वो इस भाव से कि आज रात में थोड़ी ठंड कम रहेगी वो गुड नाइट होती है, और वो दिन उनके लिए संडे हो जाता है, वो पूरा दिन धूप सेकते रहते हैं, उस दिन कोई कार्य नहीं करते। हमारे यहाँ हर हफ्ते संडे होने लगा, जबकि हमारा वेद का मंत्र कहता है कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजि विशेषतम समाह, हम तो 100 वर्षों तक कर्मशील होकर के जीने की इच्छा रखनी चाहते हैं। इसलिए मैं अपनी युवा पीढ़ी से यह कहना चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी को अच्छी प्रकार से पढ़िए, लेकिन अपने परिवार, अपने समाज में रह करके हम अपनी वैदिक संस्कृति को ही अपनाएं, यह हमारी महती आवश्यकता है। मैं अपने बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ, अभी आपने देखा 1 महीना हुआ है, केवल अभी 30 दिन हुए हैं, आपने सबको, सभी को, जो भी जिनके भी मिलने वाले हैं, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को सब नववर्ष की शुभकामनाएं दी। क्या कोई नवीनता दिखाई दी? मैं देश की महानता आप देखिए, जैसा मैक्स मुलर कहता कि इस देश की संस्कृति सबसे महान है, तो वहां पर आप विचार करने वाली बात यह है कि हमारा ये नववर्ष नहीं है, कोई नवीनता दिखाई नहीं दे रही। और मैं अपने बच्चों से कई बार पूछा करता हूं, क्या मैं ये मान लूं कि दुनिया केवल 2020 वर्षों से है? विचारने वाली बात है, आज हमारे बच्चे जो विद्यालयों के अंदर पढ़ रहे हैं वो यही मानते हैं कि दुनिया केवल 2020 वर्षों से है, लेकिन मेरा वेद कहता है कि दुनिया 1,96,08,53,119 साल 10 महीने और आज माघ मास की आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। 15 दिन कृष्ण पक्ष चले गए और शुक्ल पक्ष आज षष्ठी है, 15 और 6 21, 1,96,08,53,119 साल 10 महीने और 21 दिन आज दुनिया को बने हुए हो गए। लेकिन बाइबल कहता है कि दुनिया केवल 2020 वर्षों से है। हम अपनी वैदिक संस्कृति, जो प्राचीन संस्कृति है, हमें उसको अपनाए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो नववर्ष है उस समय नवीनता ही नवीनता होगी। आप परमात्मा की कृपा देखिए हमारे भारत के ऊपर कि उस समय हमारे भारत के अंदर जब आप दृष्टिपात करके देखेंगे चारों ओर नवीनता ही नवीनता होगी। आज आप देखते हैं 1 जनवरी को आप देख रहे थे कि उदासी छाई हुई थी, वृक्षों पर फूल
फुलवारियों पर चारों तरफ इस सृष्टि में उदासी उदासी, भयंकर कोहरा, भयंकर ठंड पड़ रही थी। लेकिन आप देखेंगे जैसे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी, इसवी कैलेंडर के अनुसार से वो दिन 25 मार्च होगा। इस बार उस दिन जब हम अपना नववर्ष मनाएंगे, आप देखेंगे कि इस प्रकृति के अंदर चारों तरफ नवीनता ही नवीनता होगी। नए पौधे होंगे, उनके अंदर नया नया बोर आता हुआ मिलेगा आपको। आप फूलों को, फुलवारियों को देखेंगे, वो नए नए फूलों से, नई नई कलियों से आपको ओत प्रोत दिखाई देंगी। तो वहां पर नवीनता ही नवीनता हमारे देश में देखने को मिलती है। इसलिए अपने बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा, आप जिस संस्कृति को, हमारी युवा पीढ़ी जिस संस्कृति को भूलती जा रही है, आप अपना नववर्ष मनाएंगे तो वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाएंगे। आप अपना नववर्ष 1 जनवरी को कदापि नहीं मनाएंगे। और मैं निवेदन करने लगा हूं, जहां आप अपनी संस्कृति को भूल गए, आप अपनी पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। वैसे मैं सन्यासी हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसका उत्साह वर्धन करने के लिए आप दृष्टिपात करके देखना कि उस दिन जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होगी, उस दिन यूरोप से क्या आपके पास कोई नववर्ष की शुभकामनाएं दे? और यदि दे तो मैं उसको 11,000 रुपये इनाम दूंगा। यदि आपको यूरोप से कोई नववर्ष की शुभकामनाएं दे, लेकिन आपने अभी देखा कि 1 जनवरी को सबने सबको नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अपनी भावी पीढ़ी से, अपनी वैदिक संस्कृति को नहीं छोड़ना है, अपनी वैदिक संस्कृति को अपनाने की हमें ऐतिहासिक संकल्प लेकर के जाना है। हम अपने ऋषियों की उस विचारधारा को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध हूं, क्योंकि वंशों वही विचार है, वंश परंपराएं विचारों से आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार से हमारी भावी पीढ़ी यदि अपने बड़ों के विचारों को, अपने ऋषि परंपरा को अपने जीवन के अंदर सुरक्षित रखेगी, तो मुझे लगता है कि हम ऋषि ऋण से पूर्ण होने के लिए, हम अपने माता पिता के ऋण से पूर्ण होने के लिए हमको सबको संकल्पबद्ध होना चाहिए। ये थोड़े से विचार जो आपने सुने हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करते हुए इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अपने परिवार, समाज और राष्ट्र में